अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पेज नंबर 30 पे है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का अमल है। इस अमल में पौधे ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, किस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। मतलब इस अमल में ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे पौधे, जिसके ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ेगी और उसके नतीजे में पास वाटर, प्लांट्स के अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पौधों में गैसों का जो एक्सचेंज है वो पत्तों में मौजूद स्टोमेटा के ज़रिए होता है। स्टोमेटा जो है ये पत्तों के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। ये जो स्टेप है गैसों का, ये जो एक्सचेंज है, ये प्लांट्स के अंदर टू डिफरेंट स्टेप्स में मुकम्मल होता है। पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो रेस्पिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन अगर हम देखें यहाँ पे, दो कंडीशन जो है प्लांट जो है वो फेस करते हैं दिन के टाइम, फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है, ये दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज है, यहाँ पे जो प्रोसेस है इसका, उसने कहा कि जब दिन का वक्त होता है तो जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये जो प्रोडक्ट हैं ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता बल्कि रेस्पिरेशन हो रही होती है मुसलसल, तो प्लांट जो हैं ये हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसके नतीजे में जो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी जो है ये हमें डिफरेंट काम परफॉर्म करने में हमारी मदद, जैसे भागना, चलना, लिखना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, ये एनर्जी जो है हमें तमाम काम जो है हमारी जो जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उसको परफॉर्म करने में मदद करती हैं। डायरी है, आपने इस क्वेश्चन को याद भी करना है और लिखना भी है। क्वेश्चन इसके ऊपर आपने लिखना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रीडिंग करने पहले इसको समझना है अच्छी तरह से, उसके बाद आपने इसको याद भी करना है और लिखना भी है डायग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।